भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच केप टाउन के मैदान पर खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए। इसके जवाब में अफ्रीकी टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट के नुकसान पर 17 रन बनाए। दूसरे दिन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के लिए अच्छी रही। जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका दिया। उन्होंने मार्करम को 8 रन के स्कोर पर पवेलियन भेजा। इसके बाद अफ्रीका के बल्लेबाज कीगन पीटरसन ने पारी को संभाला, लेकिन उमेश यादव ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका दिया। उन्होंने नाइट वॉचमैन केशव महाराज की गिल्लियां बिखेर दी, उन्हें पवेलियन भेज दिया। इसके साथ ही महाराज ने 45 गेंद में 25 रन बनाए। लंच होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना लिए थे। 112 रन के कुल स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका टीम को चौथा झटका लगा। वंडर डुसैन 54 गेंद पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें उमेश ने कोहली के हाथों कैच कराया। इस बीच कीगन पीटरसन ने बेहतरीन पारी खेलते हुए टेस्ट करियर की दूसरी 50 लगाई। मोहम्मद शमी ने दक्षिण अफ्रीका को पांचवा झटका दिया। उन्होंने 28 रन के स्कोर पर टेम्मा बबुआ को दूसरी स्लिप में विराट के हाथों कैच कराया। शमी ने एक ही ओवर में दक्षिण अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों को आउट किया। उन्होंने वेरन को विकेट कीपर पंत के हाथों कैच आउट कराया। वेरन अपना खाता भी नहीं खोल पाए। 176 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को सातवां झटका लगा। मार्को जेनसन 7 रन बनाकर बुमराह का शिकार हुए। दक्षिण अफ्रीका का 8वां विकेट कीगन पीटरसन के रूप में गिरा। उन्हें बुमराह ने स्लिप में पुजारा के हाथों कैच कराया। पीटरसन अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा 72 रन बनाकर आउट हुए। 9वें विकेट के रूप में कगिसो रबाटा 15 रन बनाकर आउट हुए। शार्दुल ने उन्हें जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच कराया। आखिरकार भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 209 रन पर समेट दिया। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। वहीं शमी और उमेश को 2-2 विकेट मिले। शार्दुल को भी 1 विकेट मिला। पहली पारी के आधार पर भारत को 13 रन की बढ़त मिल गई। भारत के लिए दूसरी पारी की शुरुआत एक बार फिर राहुल और मयंक ने की। कगिसो रबाडा ने 7 रन के स्कोर पर मयंक अग्रवाल को चलता किया। बेहतरीन टच में दिख रहे राहुल को भी जेनसन ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। केएल राहुल भी सिर्फ 10 रन बना सके। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत को 70 रन की बढ़त मिल चुकी है। वहीं क्रीज पर चेतेश्वर पुजारा 9 रन बनाकर मौजूद हैं, साथ ही कप्तान कोहली 14 रन बनाकर मैदान पर खेल रहे हैं। तीसरे दिन भारत जल्द से जल्द बड़ा स्कोर खड़ा कर अंतिम 2 दिनों के लिए दक्षिण अफ्रीका को बैटिंग के लिए बुलाना चाहेगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, भारत को कितना स्कोर खड़ा करना चाहिए इस मैच को जीतने के लिए? हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड स्पोर्ट को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।